गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 1.3 तक अपने ने कंप्लीट कर दी है एक्सरसाइज। आज अपने बात करेंगे 1.4 की। पहला जो सवाल है आज 1.4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 5.675 को दर्शाना है। देखो सॉरी 3.765 को क्या करना है आपको, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो ये तो सीधा मतलब लग रहा है कि 3.57 किसके बीच में होगा, मतलब ये 4 और 5 के बीच में होगा। तो आप देखो क्या करो, सॉरी 3 और 4 के बीच में होगा ना, 3 और 4 के बीच में होगा 3.765। तो आप क्या बोलो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, संख्या रेखा पे 3 और 4 दर्शा दूंगा। ये संख्या रेखा है, इधर है 3 और इधर है 4, और 3 और 4 के बीच में 10 पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और ये हो जाएगा आपका 4। अब आपको क्या करना है, 3.7 है ना, तो इसका मतलब आपका जो 3.765 है वो किसके बीच में है, 3.7 और 3.8 के बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में आपकी संख्या होगी। ठीक है, 3.7 और 3.8 के बीच में आपकी संख्या होगी। तो देखो अब क्या करना है, एक तरफ तो मैं बना रहा हूं, एक तरफ तो है ये 3.7 और एक तरफ है 3.8, तो ये आपका क्या होगा, यहां होगा 3.71, यहां होगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80 हो जाएगी। ठीक है, आपका 3.4 देगा 6 तक, तो 3.765 इन दोनों के बीच में होगा। समझ में आ गया, यहां तक आ गया। अब क्या करना है, आप इन दोनों पॉइंट को उठाएंगे, इन दोनों पॉइंट को उठाएंगे तो एक तरफ तो आपका है 3.76 और एक तरफ है 3.77, तो यहां हो जाएगा 3.761। ठीक है, यहां हो जाएगा 3.762, यहां हो जाएगा 3.763, यहां हो जाएगा 3.764, यहां हो जाएगा 3.765। ठीक है, ये आपका 3.766, 3.767, 3.768 और ये 3.769 और ये 3.7। अब आपको क्या बताना है, 3.765 बताना है, तो आपका 3.765 ये यहाँ है कि 3.765 ये आपका यहाँ। समझ में आ गया, मतलब एक एक अंक की बात में चल रहा है, 3.7 को लेके चल रहा है आपको, 3.7 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में, उसके बाद में अगली संख्या 3.76 को लेके चल रहा है, तो 3.7 3.8 के बीच में निकालना है, फिर ये आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में निकालना है, तो आपका ये दोनों इन दोनों के बीच में निकाल लिया, फिर पहले उसके बीच में ये निकाला था, फिर 3 पहले इससे पहले ये निकाला था 3 और 4। ठीक है, तो आपका 3.765 होगा यहाँ होगा। ये है उत्तरोत्तर आवर्तन करके संख्या रेखा पर संख्या दर्शाना। समझ में आ गया।
अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो है ये आप देख लेना पड़ता है वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन नंबर दो उसको भी आपने बोला क्या करना है दर्शाना है, ठीक है। तो देखो क्या है, चार दशमलव स्थानों का संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। इसकी तरह ही करना है, सेम यही विधि है, कोई अलग से विधि नहीं है। देखो क्या दर्शाना है, आपको दर्शाना है क्वेश्चन नंबर दो में 4.26। इसका मतलब है 4.26 यहां से आता चला जाएगा, ठीक है। तो 4.26 कहां होएगा, 4.26 होएगा 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो पिछले सवाल में आपने किया था, 4 और 5 के बीच में संख्या मिलानी है, ठीक है। 4 और 5 के बीच में यह आपका 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, अच्छा चलता जाएगा 4.9 तक, यह आएगा 4.9। तो आपको क्या बताना है, 4.26 है, तो 4.26 कहाँ होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में, ठीक है। तो 4.1 तरफ तो मैं लिखूंगा, एक तरफ में लिखूंगा 4.2 और एक तरफ लिखूंगा 4.3। तो यहाँ हो गया 4.21, 4.22, 4.2, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, ठीक है, 4.27, ठीक है। तो ये आगे चलता जाएगा, 4.29 आ जाएगा, लास्ट में चलता जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 4.28। तो अब आपका 4.26 और इसके बाद 2, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में आपकी संख्या होगी, ठीक है। अब आपको कहाँ दर्शाना है ग्राफ, सॉरी ग्राफ क्या है, संख्या रेखा दर्शानी है 4.26 और 4.27 के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा 4.26, 4.26, 2, 4.26, 3, इन दोनों के बीच में आपकी संख्या होगी, इन दोनों के बीच में निकालनी है, ठीक है। अगला बस 4 नहीं निकालना है, एक विधि होगी, 2 होगी, 3 होगी, अगली 4 कहां आ जाएगा, वहां तक बस वहां तक ही निकालना है, वहां आप दर्शा देना कि ये 4.26 मतलब 4 को दर्शा रहा है, मतलब आपको दर्शाना है यहां तक 4.26, बस दो बार आ जाए 26 वहां तक दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये आगे इसको एक संख्या रेखा पे और दर्शाने, ठीक है। तो एक संख्या रेखा आप यहां और दर्शाओ, यहां और दर्शाओगे 4.26, 2 और 4.26, 3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4.26, 2, 1, यहाँ आ जाएगा 4.26, 2, 4.26, 2, 3, 4.26, 2, 4, 4.26, 2, 5, 4.26, 2, 6, तो 4.26, 2, 7, बस आपको यहाँ तक ही दर्शाना है, ये आप नाम लेना कि यहाँ आपकी 4.26, 4.26 मतलब ये 4.26 के बाद ये आपकी संख्या रेखा पे हो गई, ठीक है। तो ये आपकी 1.4 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में अपने चर्चा करेंगे 1.5 पे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। समझ में नहीं आया वीडियो बार बार देखो, रिपीट करो, पूरी कोशिश करता हूँ मैं कि पूरा आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है।